ইপেপার ইন্ডিয়াকে সবই দর্শক জ্যোতিষী আনন্দ শর্মা জি কা নমস্কার। বাত করতে হ্যাঁ দিনাঙ্ক 7 জুলাই 2020 কে রাশিফল কি। সবসে পহলে বাত করতে হ্যাঁ পঞ্চাঙ্গ কি। দিন মঙ্গলবার, কৃষ্ণ পক্ষ কি দ্বিতীয়া তিথি, শ্রবণ নক্ষত্র বিষ্কুম্ভ যোগ, বণিজকরণ আর চন্দ্রমা হ্যাঁ মকর রাশি মে। আজ কে দিন সবসে পহলে বাত করেঙ্গে হম মেষ রাশি কে জাতক কি। देखिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि वाले जातक के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है। मंगल और शुक्र की पोजीशन के कारण इन लोगों को धन लाभ की बहुत अच्छी कुंडली में योग बने हुए हैं। साथ में ही इनके मित्रों और सहयोगियों का भी बहुत ज्यादा सहयोग मिलने जा रहा है, जिसके कारण इनका दिन अति उत्तम होने वाला है। फिर बात करते हैं हम लोग वृष राशि की। पूर्व के भांति ही वृष राशि में ही शुक्र विराजमान है, जिसके कारण वृष राशि के जातकों के लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन लाभ, किसी भी प्रकार के अच्छे संयोग इनकी कुंडली में, इनकी राशि में अभी बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय में थोड़ा सा पहले से सुधार होगा, लेकिन समस्या अभी भी गंभीर है, पुरानी समस्या अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद बात करेंगे हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों का समय पहले से बेहतर होने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आप इसका ध्यान रखें। पत्नी से और सही सजे से योगियों से आप मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए बातचीत करें, ये आपके हित में होगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातक के लिए यह समय बड़ा उत्तम रहेगा, हर प्रकार के लाभ इनको आज के दिन मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय बड़ा अच्छा रहेगा, नाना प्रकार के लाभ इनको भी होने वाले हैं। थोड़ा सा मन कार्य में विलंब होने के कारण खिन्न रहेगा, आप अपने मन में किसी प्रकार की खिन्नता ना रखें और मन में एक सकारात्मकता लेके चलें, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय पहले से अच्छा होने वाला है, मन में धर्म कर्म की प्रवृत्ति जगेगी, धर्म कर्म के पठन पाठन में आपकी रुचि बनेगी, भगवान का ध्यान करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करें, सब बढ़िया रहेगा। इसके बाद बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी समय यह बड़ा अच्छा है और इनके भी अच्छे काम बनने के योग बनते हैं। फिर बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातक भी अपने काम को आज के दिन बखूबी निकाल सकते हैं, गाड़ी घोड़ा थोड़ी सावधानी से चलाएं, चोट चपेट के आंशिक योग बनते हैं, मन में किसी प्रकार की पुरानी बातों को ना सोचें, ये आपको दुख दे सकता है। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातक आज के दिन जोश और उत्साह से भरपूर रहेंगे, जोश में लेकिन होश ना खो, झगड़े झमेले की संभावना हो सकती है। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों को आज का दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको भी धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, परिवारजनों से, मित्रों से सबसे बनाकर रखें। फिर बात करते हैं हम मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातक के लिए भी यह समय बड़ा उत्तम है, अपने काम कारोबार पर अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर आप काम करें, आप सबका समय शुभ हो। नमस्कार।